हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए निविया रैप्टर टोरिडो 2 का वाइट एंड ग्रे वेरिएंट का फुल फ्लेज रिव्यू और इसको बस स्टार्ट ही कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज का दिन हमारा जो है हमारे चैनल का टाइटैनिक तुषार का बर्थडे है। आज के दिन 2 अक्टूबर को ही होता है, हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो 2 अक्टूबर को ही आई थी। तो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल को बर्थडे विश करना मत भूलना। तो कमेंट सेक्शन में सब हैप्पी बर्थडे टाइटैनिक तुषार ज़रूर लिख के जाएंगे। बस चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। इस बार अगर आप देखें पैक में थोड़ी अलग है ये पैक, जो पैकेज है इससे पहले निविया के जितने भी हमने ग्लव्स देखे उनके पैकेज ऐसे नहीं आया करते थे। यहाँ पे पैकिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया और ये तो हमको देखने को मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं इसकी लेटेक्स के बारे में। तो लेटेक्स की बात की जाए तो लेटेक्स इस ग्लव की अगर देखी जाए तो ओवरऑल जो है ये ग्लव इम्प्रूवमेंट है जो हमारा पिछला निविया रैप्टर टोरिडो ब्लैक एंड रेड आया था, ब्लैक एंड रेड वाला जो वेरिएंट है उसका इम्प्रूवमेंट है। उसके कई सारे बग्स जो थे, कई सारी जो उसमें दिक्कतें थी उसे फिक्स करने के लिए ही ये ग्लव बनाया गया है। वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हम अलग से एक कंपैरिजन वीडियो जरूर लाएंगे। इसमें हम इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसकी लेटेक्स में हाइपर ग्रिप लेटेक्स पाम का यूज हुआ है, हाइपर ग्रिप लेटेक्स पाम, जो कि ज़्यादा कुछ मुझे डिफरेंस लगा नहीं है। जो कि पिछला निविया टोरिडो था रेड एंड ब्लैक वाला और ये वाला, दोनों की ग्रिप बिल्कुल सेम है, दोनों की लेटेक्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों की ग्रिपिंग बिल्कुल सेम है। और आप जानते हैं कि रेड एंड ब्लैक वाले की कितनी अच्छी ग्रिपिंग थी, वही सेम अच्छी बढ़िया ज़बरदस्त ग्रिपिंग आपको इस ग्लव में भी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैकहैंड के बारे में। तो अगर आप बैकहैंड के बारे में बात करें तो बैकहैंड बिल्कुल बढ़िया बैकहैंड है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है पीछे वो कुशन बैक फिलर यूज़ हुई है बैकहैंड में, और साथ में ये जो कुछ यहाँ पे जो उठे हुए पैटर्न्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे पंचिंग में, जो कि एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है किसी भी बैकहैंड में कि कितना अच्छा पैटर्न पीछे दिया हुआ है, कैसा आपको चीज़ दी हुई है जिससे आपको पंचिंग में खासकर मदद मिले। तो वो उसके लिए तो आपका पूरा इंतजाम करके दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे एक पैटर्न दे दिया है, ये थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे ही बॉल इस पे टकराएगी तो ये अंदर को जाएगा और फिर उठेगा, तो इससे क्या होगा बॉल दूर जाएगी जब आप क्लियर करोगे बॉल को। यहीं नहीं, ये पूरे ग्लव के पीछे के बैकहैंड में हर जगह यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, आप देख सकते हैं और करीब से। तो एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त बैकहैंड यहाँ पे इस ग्लव में आपको मिलने वाला है। बात कर लें इसके रिस्ट स्ट्रैप या रिस्ट बैंड की, तो 2 इंचेस का रिस्ट स्ट्रैप या रिस्ट बैंड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस ग्लव में। आप देख सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे रिस्ट बैंड आपको दिया गया है। पास से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। साथ में हुक एंड लूप यहाँ पे आपको जो रिस्ट बैंड दिया गया है, इसमें आपका जो हुक एंड लूप है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है पहले से। अगर आप देखें तो ये ध्यान से आप देख सकते हो, मैं पास से दिखा रहा हूँ। अगर आपने पहला यूज़ किया है निविया रैप्टर टोरिडो तो आपको पता होगा ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और आने वाले निविया के ग्लव्स में जो आजकल काम हो रहा है वो हुक एंड लूप पे ज़्यादातर हो रहा है, रिस्ट स्ट्रैप पे हो रहा है अच्छा खासा काम, और वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। मैं और पास से आपको दिखाता हूँ। तो हुक एंड लूप जो है वो पूरी तरीके से इंप्रूव किया गया, ओवरऑल इसे इंप्रूव करके आपको दिया जा रहा है। तो रिस्ट स्ट्रैप तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस ग्लव में, पूरी तरीके से इंप्रूव्ड रिस्ट स्ट्रैप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और 2 इंचेस का रिस्ट स्ट्रैप है तो रिस्ट स्ट्रैप में तो कोई कमी है नहीं किसी भी तरह की इस ग्लव में। बात कर ली जाए फिंगर प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे आपको फिंगर प्रोटेक्शन एक बार फिर से, जैसा कि हम हर निविया ग्लव में देखते हैं, नहीं दिया गया है। फिंगर प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको इस ग्लव में भी नहीं मिलेगी, कोई भी किसी भी तरीके की फिंगर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे नहीं दी गई है इस ग्लव में। बात कर लें इसके कट की, तो इसमें आपको नेगेटिव कट प्रोवाइड किया गया है, और जो आप जानते भी होंगे नेगेटिव कट इज द बेस्ट कट इन दीज मॉडर्न टाइम्स। अभी का इस समय का सबसे अच्छा कट अगर कोई है तो वो नेगेटिव कट है। नेगेटिव कट में क्या होता है, पूरी तरीके से लेटेक्स अंदर से स्ट्रेच्ड होती है जो कि आपको एक कमाल की फिटिंग देती है, कमाल का टच देती है बोल के साथ। और इसी वजह से नेगेटिव कट आजकल का सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड एक कट माना जाता है। आजकल के गोलकीपर्स अगर किसी कट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो नेगेटिव कट है। और ये यहाँ पे इस प्राइस रेंज के ग्लव में नेगेटिव कट मिलना एक अपनी ही एक अलग बात है जिसकी सराहना हमको करनी ही होगी। अब बात कर लेते हैं इस ग्लव की वेंटिलेशन और स्टिचिंग के बारे में, जो कि मुझे लगता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
अगर आप देखें तो पिछला जो निविया रैप्टर 22 था उसकी सबसे बड़ी कमी थी स्टिचिंग और वेंटिलेशन, जो मैंने जब उसका रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा उसका रिव्यू भी, तो उसका रिव्यू भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे मैंने उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बताई थी, उसकी स्टिचिंग और वेंटिलेशन। स्टिचिंग तो बाद में उसकी लिमिटेशन निकल के आई, लेकिन सबसे बड़ी जो लिमिटेशन वहाँ पे मैंने पहले ही बार में निकाली थी वो थी वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन को पीछे अगर पूरे बैकहेंड में देखें तो कितनी जगह है तो वो देखने में कम ही दिखती है, मुश्किल से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह दी गई थी उसमें भी, और यहाँ पे भी वही सेम चीज की गई है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई है वेंटिलेशन में। जरूर ये जो एरिया है ये इस बार बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ये जो पोर्स हैं इनके द्वारा जो वेंटिलेशन है वो ज्यादा हो पाए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पिछले के मुकाबले ये एरिया बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है इस ग्लव की कि वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं है इस ग्लव में। दूसरी मेन लिमिटेशन इस ग्लव की क्या है, इसकी स्टिचिंग, इसकी सिलाई उतनी अच्छी नहीं है, जल्दी से निकल जाती है। पीछे की सिलाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तो बाहर हो रही है सारी सिलाई, और बड़ी सिंपल सी वो लग रही है, और फटने के उसके चांसेस, अगर एक जगह से धागा निकला तो वो धागा निकलता जाता है, पहली इसकी दिक्कत ये। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो कि मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने निविया रैप्टर टोरेडो यूज किया है पहले वाला, उन्होंने फेस की होगी, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, मैंने मेरे खुद के साथ हुई है कि पहनने में बड़ी दिक्कत आती थी, किसी को लेफ्ट हैंड में, किसी को राइट हैंड में टाइट आता था। क्या वो इसमें इंप्रूव हुआ है, वो सबके क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल, वो तो इंप्रूव कर दिया गया है, अब आपको पहनने में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिर भी जो तरीका है यहाँ पे, यहाँ जो स्टिचिंग हो रही है इसकी, ये जो जगह है जहाँ पे इसकी स्टिचिंग हो रही है वो उतनी स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग नहीं है, जिसके कारण जब आप इसे पहनते हो तो वो खींचना पड़ता है, तो बहुत बार क्या होता है, ये लेटेक्स यहाँ से बाहर आ जाती है। और ये मेरे ग्लव्स के साथ हुआ, आपके ग्लव्स के साथ हुआ होगा, ज्यादातर के ग्लव्स के साथ मैंने देखा है कि पिछली बार हुआ है। तो इस बार अगर देखा जाए तो स्टिचिंग में वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई गई जो कि सबसे मेन लिमिटेशन थी। इंप्रूवमेंट जरूर आई है पहनने का तरीका, एक अलग सेगमेंट मैंने उस वीडियो में बनाया था कि क्या सही पहनने का तरीका है, जिससे कि आपकी ऊपर की लेटेक्स भी खराब ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी उस ग्लव को पहनने में। तो वो जो मैंने सेगमेंट बनाया था वो इसी वजह से बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपको उतना पहनने में दिक्कत नहीं आने वाली है इस ग्लव को, लेकिन जो स्टिचिंग है वो अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ज्यादा खींचातानी मत करना इस ग्लव के साथ कि निकाल के आप जो है इसके साथ खींचातानी करने लगे, खींचातानी वाला ग्लव ये अभी भी नहीं है। तो अगर आप इसे पहनोगे, देखो मैं आपको रियल टाइम बिल्कुल पहन के दिखाता हूँ अभी कैमरे के सामने, ये अगर आप ये करोगे बहुत तेज तो ये फट जाएगी यहाँ से, इतनी अच्छी स्टिचिंग नहीं है, बस एक यहाँ पे हुआ है सिलाई, उसके सिवा कोई और ज्यादा लेटेक्स अंदर तक नहीं है। सबसे मेन बात, सिर्फ यहीं पे लेटेक्स कर दिया गया, खत्म। तो ये एक गलत चीज है, आपको बड़े ध्यान से ग्लव पहनना है, केयर ग्लव की जो मैं कहता हूँ उसमें ये आती है, ये सब चीजें अगर आप लोगे तो आराम आराम से आप इसे खींचिए और ये आराम से आप पहन पाएंगे, अब वो दिक्कत नहीं आ रही है पहनने की। दूसरी चीज मैं क्या प्रेफर करूंगा आपको कि आप जो है ना, जो भी आपका साइज है रेगुलर, जो आप जिस साइज का ग्लव पहनते हैं उस साइज के ग्लव से ऊपर जाइए। मतलब अगर आपको मीडियम आता है और अगर आप ये ग्लव खरीदना चाहते हैं और सही तरीके से आपको लगता है कि ये इस ग्लव आपको मदद करे, तो आप एक साइज ऊपर जाइए। मतलब मीडियम है तो लार्ज खरीदिए, और लार्ज का तो कोई ऊपर आता नहीं है, लार्ज वालों को तो लार्ज ही खरीदना पड़ेगा, और अगर स्मॉल है आपका साइज तो मीडियम खरीदिए, ये आपको फायदेमंद रहेगा। बिकॉज बहुत ज्यादा टाइट फिट लेने के चक्कर में आपको ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो आखिर में डिसीजन आपका रहेगा, मेरा जो मैंने देखा है, यूज किया है और अभी जो आया है वर्जन, उसके हिसाब से मेरा क्या मानना है। मेरा ये मानना है, मैंने भी अपना साइज ही बढ़ा के मंगवाया था इस बार यही चीज टेस्ट करने के लिए, और मुझे इसमें सक्सेस दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप अपना साइज बढ़वा सकते हैं अगर आपको ड्यूरेबिलिटी इस ग्लव की बढ़ानी है। अगला जो सेगमेंट है जिसमें हम बात करने वाले, मुझे लगता बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप लोग चाहोगे कि इसके बारे में कोई भी यूट्यूबर बात करे, कोई भी ग्लव का रिव्यूअर बात करे, लेकिन करना नहीं चाहता कोई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी ग्लव के बारे में, उसकी ड्यूरेबिलिटी की, कितने दिन चलेगा वो ग्लव, मोस्टली इसके बारे में बात की ही नहीं जाती है। और मैं जब भी कहता हूँ कि ड्यूरेबिलिटी भी अगर बात करनी है तो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पे ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है, आपकी डाइविंग टेक्निक कैसी है और साथ में आप अपने ग्लव की केयर कैसे करते हैं, ठीक है ना। दोनों चीजों पे ही आपकी ड्यूरेबिलिटी, किसी भी ग्लव को आप ले आओ, अगर आपकी ये दोनों चीजें करेक्ट हैं तो आप उसको बहुत दिन चला पाओगे, और अगर आपकी दोनों चीजें करेक्ट नहीं है, आप दोनों चीजों पर काम नहीं कर रहे, तो वो ग्लव आपका चाहे कितना ही महंगा हो वो पहले दिन फट जाएगा। तो अगर आप ये कहोगे कि आप दोनों चीजें आपकी इनकरेक्ट हैं और आपका पहले ही दिन ग्लव जो है उसमें स्क्रैच आ गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं कि हमने निविया टोरेडो खरीदा पहले दिन ही फट गया। भैया जब आप उसका सीधा संपर्क ग्राउंड के साथ करोगे तो वो जरूर फटेगा। ये जो लेटेक्स है ये बनाई गई है ग्रिपिंग के लिए, बॉल के साथ संपर्क के लिए, ये ग्राउंड के साथ संपर्क के लिए लेटेक्स नहीं बनाई गई है। तो अगर आप इसका सीधा संपर्क ग्राउंड के साथ करेंगे तो जरूर फटेगा, लेकिन फटना एक अलग चीज है, पूरी तरीके से थोड़ा सा स्क्रैच आना। अगर आप देखो ध्यान से, अभी मैंने यूज इतना नहीं
किया है, तो अगर आप देखो तो इसकी लेटेक्स थोड़ी थोड़ी सी स्क्रेचेस अभी भी एक दो जगह पे आपको दिखाई देंगे, अगर बहुत ही जूम करूँ मैं तब जाके, वैसे दिखने वाले नहीं है, देखिए एक ही आपको दिख गया होगा, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ज़्यादा ये समझ लीजिए कि अभी तो इतना ज़्यादा संपर्क ग्राउंड के साथ है ही नहीं बिल्कुल भी, ये बोल के साथ है, ये देख लीजिए। तो अगर आप इन्हें लेके इतने इतने से स्क्रेचेस को लेके ये कहोगे कि हाँ मेरा ग्लव फट गया, तो गलत कह रहे हैं। ये नॉर्मल है, किसी भी ग्लव के साथ ये चीज़ नॉर्मल है, हर एक ग्लव में देखने को मिलता है। आप एडिडास का ले आना या किसी का ले आना, जब पहली बार यूज़ कर लेते हैं उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है। भाई ये प्राइस देखिए इसका, आप एडिडास का लेके उसको कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। प्राइस रेंज जैसी होती है उतनी ड्यूरेबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है, तो वही बात है कि प्राइस रेंज के हिसाब से ये सब होता है। और अगर आप चाहोगे कि इस रेंज का ग्लव आपको 2-3 साल चल के दिखाएगा, तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जो कि होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कई का अभी भी 2 साल के ऊपर भी कई बार ये पहुंच जाता है, अगर आपकी केयर और आपकी डाइविंग टेक्निक दोनों जो है करेक्ट डायरेक्शन में जा रही हो, तो फिर ये 2 साल भी खींच जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये उस बात को। लेकिन आपकी अगर दोनों ही चीज़ें हैं तो हो सकता है आपको 1 महीना भी खींच के ना दे, दोनों चीज़ें अगर आपकी खराब हो तो। इस चीज़ पे आप काम कीजिए, आपकी ड्यूरेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, डाइविंग टेक्निक एंड आप केयर कैसे कर रहे हैं अपने ग्लव की, इसके ऊपर अलग से वीडियो ले आएंगे, डिटेल्ड वीडियो। सबसे लास्ट बात कर लेते हैं इनके प्राइसेस की और साथ में इनकी अवेलेबिलिटी की। तो प्राइसेस की बात करें तो इसकी MRP 1075 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और MRP चेंज नहीं होती है, इसी वजह से मैं आजकल हर ग्लव की MRP बताता हूँ। बिकॉज ग्लव्स के प्राइस मैं कुछ बता दूं वीडियो में, कल को ये कोई देख रहा है और वो प्राइस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे रोज प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक प्राइस नहीं, एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं किसी भी ग्लव का। तो ये है इसकी MRP 1075। साथ में अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में हमारी है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप ढूंढोगे तो शायद उतना आसान रहेगा नहीं इस ग्लव को ढूंढना अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। मैंने अमेजोन का लिंक नीचे डाल दिया, अगर आप यहाँ से जाके खरीदोगे थोड़ी सी चैनल को भी मदद हो जाएगी और आपको भी काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ढूंढने का, रिसर्च करो वो करो, सीधा डायरेक्ट लिंक है और आप जाके इसे खरीद पाओगे। बस अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।